हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपल। आज हम जावा में इंटरफेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि इंटरफेस क्या होता है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इंटरफेस हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इंटरफेस बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है इंटरफेस कीवर्ड की, देन इंटरफेस का नेम। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इंटरफेस, देन एबीसी इंटरफेस का नेम। देन इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ जो फंक्शन हैं उनकी प्रोटोटाइप प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उनको डिफाइन करते हैं, हम उनकी डेफिनेशन नहीं देते। हम सिर्फ ये बताएंगे कि हम ये फंक्शंस किसी भी क्लास में चाहते हैं जो कि इसे इंप्लीमेंट करें। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक शो नाम का फंक्शन और एक गेट नाम का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि ये दोनों फंक्शंस को वो डेफिनेशन दे, इन दोनों फंक्शंस को वो एक्सप्लेन करें, इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन अपने बॉडी के अंदर इंक्लूड करें। अगर कोई भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, इस इंटरफेस को यूज़ करती है और इन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को वो डेफिनेशन नहीं देती, तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी और वो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा और वो कंपाइल नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास ली ए, इसे किसी भी इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए हमें इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, इम्प्लीमेंट्स ए बी सी। कुछ लोग कहते हैं कि इम्प्लीमेंट्स जो इंटरफेस है हमारा, ये हमें जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए लाया गया, बट ये एकदम गलत है। इंटरफेस का काम उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए नहीं होता, इंटरफेस का काम जो पर्टिकुलर होता है वो होता है कि हम पर्टिकुलर सेम नाम के फंक्शन बनाएं। क्यों बनाने पड़ते हैं हमें, वो हम तब सीखेंगे जब हम एप्लेट्स एंड थ्रेड्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो हम मोर देन वन इंटरफेस भी अपने क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस के अंदर हमें सभी जो इंटरफेसेस हैं उनके सभी फंक्शंस को डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और इसके साथ हम एक क्लास को भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो क्लास तो सिर्फ एक इनहेरिट हो सकती है, लेकिन जो हमारे इंटरफेस हैं वो मोर देन वन इनहेरिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास ए ले रहा हूँ जो इम्प्लीमेंट्स करता है ए बी सी को। इसमें मैंने एक एक्स लिया एंड दोनों गेट एंड शो फंक्शन को मैंने इसके अंदर डेफिनेशन दी। गेट फंक्शन जो है हमारे पास जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा इंटीजर टाइप का उसको एक्स के अंदर सेट करेगा, एंड जो हमारा शो फंक्शन है वो एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सिंपल है। देन मैंने एक क्लास बनाई इंटरफेस ई एक्स जो कि मेन फंक्शन को कंटेन करती है, एंड इसके अंदर मैंने जो हमारी क्लास ए है जो कि हमारे इंटरफेस ए बी सी को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसका एक ऑब्जेक्ट नया ओ बी जे नाम का, एंड ओ बी जे से मैंने गेट एंड शो फंक्शन दोनों कॉल किए। गेट में मैंने 10 को पास किया जो क्या होगा, एक्स की वैल्यू को सेट हो जाएगा एंड एक्स की वैल्यू देन शो हो जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि ये क्या आंसर शो करता है। तो आइए इसको कंपाइल करते हैं। मैंने इसे सेव कर दिया है जी के अंदर जावा नाम के फोल्डर में। तो कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा सी इंटरफेस ई एक्स डॉट जावा, ये कंपाइल हो गई विदाउट एनी एरर। तो इसे रन करते हैं, रन किया इंटरफेस ई एक्स, 10 इसने शो कर दिया। ओके, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये देखते हैं कि अगर हम एक फंक्शन को इसमें से हटा देते हैं, शो को हम हटा देते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा। हमने सेव किया, यहाँ पर भी इसे कमेंट कर दिया। अब अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो ये शो कर रहा है ए इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डजंट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मींस ये कह रहा है कि ये एक मेथड को इसने ओवरराइड नहीं किया है,
ओके तो ये हमें बता रहा है कि हमें अगर इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी इंटरफेस को तो उसके सभी मेथड्स को ओवरराइड करने की ज़रूरत होती है। ओके तो ये है इंटरफेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।